नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होना है। इसी क्रम में विधानसभा चुनावों में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। वोट पाने के लिए प्रत्याशी हर जतन करने को तैयार है। कोई जनता के बीच जाकर रोने लग रहा है तो कोई हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रहा है। बीते दिनों सोनभद्र से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां भाजपा प्रत्याशी भरी सभा में कान पकड़कर उठक बैठक कर जनता से वोट मांगते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में उठक बैठक करते नजर आ रहे व्यक्ति भूपेश चौबे हैं, जो कि रॉबर्ट्सगंज से भाजपा के विधायक हैं, जो अपनी गलतियों के लिए जनता से माफी मांग रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने 4 बार उठक बैठक लगाई मगर 5वीं बार में मंचासीन पार्टी नेताओं ने उन्हें रोक लिया। एक और सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की खूब चर्चा हुई तो वहीं विपक्ष इसके जरिए भाजपा पर कटाक्ष करने में लगा है। बताया जा रहा है कि चौबे जी पर आरोप है कि 5 साल तक वो जनता के बीच नदारद थे, जिसकी वजह से अब माफी मांगते फिर रहे हैं। क्रम में अब आपको बता दें कि यूपी चुनावों में बेरोजगारी, महंगाई, आवारा मवेशियों का संकट जैसे तमाम जमीनी और लोकल मुद्दों की जगह रूस और यूक्रेन युद्ध जैसे ग्लोबल मुद्दे वोट मांगने का जरिया बन गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन संकट का जिक्र कर अपने भाषण में कहा था कि दुनिया में उथल पुथल चल रही है, भारत को मजबूत होने की जरूरत है और मुश्किल समय के लिए एक सख्त नेता की जरूरत है। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है, जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सुहेलदेव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। आप देखिए, स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट को पसंद आता है क्या? जरा जोर से बताइए, ढीला ढाले मास्टर जी हो तो बच्चों को पसंद आता है क्या? बच्चों के परिवारजनों को पसंद आता है क्या? माँ भी चाहते हैं ना कि टीचर मजबूत होना चाहिए, चाहते कि नहीं चाहते? आपके इलाके में दरोगा भी बिल्कुल ढीला ढाला हो तो किसी को पसंद आता है क्या? दरोगा भी मजबूत चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना लाजमी थी। इसी क्रम में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मोदी जी के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि मोदी यूक्रेन को यूपी विधानसभा चुनाव में ले आए हैं। कहते हैं कि मुश्किल समय में कठोर नेताओं की जरूरत है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बिजली, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत नहीं मांगनी चाहिए और न ही आर्थिक विकास और रोजगार के बारे में पूछना चाहिए। साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने इस मुद्दे पर भारत सरकार को नसीहत भी दे डाली।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जब पेट्रोल डीजल के दाम सीधा 10 रुपए बढ़ाए जाएंगे, तब जो परिस्थिति बनेगी उसकी योजना आज से ही बनानी चाहिए। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रूस यूक्रेन टकराव और इसका क्रूड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर होने वाले असर को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही भारत सरकार को व्यर्थ के खर्चे जैसे कि सेंट्रल विस्टा को रोककर तेल उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए। एक और, जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तो वहीं यूपी चुनावों में इस मुद्दे को लेकर हो रहे प्रचार पे तो कहा ही जा सकता है कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। खैर, चुनावी मौसम में नेता जीतने के लिए हर जतन करने को तैयार रहते हैं, वो कुछ भी करने और कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। इधर बात अगर चुनावी भाषणों में कुछ भी बोलने की हो रही है, तो इसी बीच भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी बलिया के बिलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंची, जहां उन्होंने भी अपने भाषण में रूस यूक्रेन का जिक्र किया। साथ ही इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर दी। दरअसल उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश में अपने लिए खास जगह बनाई है, वो एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर हेमा मालिनी ने कहा कि पूरी दुनिया के नेता चाहते हैं कि मोदी जी आगे आकर इस युद्ध को रोकें। उन्होंने बीच में जाकर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरे विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस वॉर को खत्म करो, बस करो, रोको। मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को, हमें गर्व होना। हेमा मालिनी जी के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स चुटकी लेने लगे, वहीं कुछ लोगों ने उनकी इस बात पर नाराजगी जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने बीजेपी सांसद के इस बयान पर लिखा कि रोकना चाहिए, रोकते क्यों नहीं, युद्ध ना रोक पाए ना सही, इतना डंका दुनिया में बच चुका है, उसका फायदा उठाकर बेचारे 20,000 बच्चे जो वहां फंसे हैं उनको तो निकाल लीजिए, या सोनू सूद का इंतजार हो रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट आपकी कौन लिखता है, आईटी सेल के अमित मालविया। वहीं एक दूसरे यूजर ने हेमा मालिनी के इस बयान को जोक ऑफ द डे कह दिया। हेमा मालिनी जी के इस बयान पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं यूपी चुनाव से जुड़ी अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब 5वें चरण में मतदान की बारी है। आपको बता दें कि 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 5वें फेज का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रामनगरी अयोध्या के साथ प्रयागराज और चित्रकूट जैसी धार्मिक नगरियों में मतदान होने वाला है। अब बीजेपी के लिए अपना झंडा संभालने की चुनौती सामने है, वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस की कोशिश है कि भाजपा का झंडा हटाकर इन 12 जिलों में अपनी जमीन बनाए। इस चरण में कौशाम्बी की सबसे चर्चित सीट सिराथू पर पूरे राज्य की नजरें हैं। यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है। इसी के साथ इलाहाबाद पश्चिम से भाजपा के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और इलाहाबाद दक्षिण से भाजपा के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता समेत कुंडा का गुंडा कहे जाने वाले बाहुबली नेता राजा भैया जैसे दिग्गज भी इस चरण में चुनावी मैदान में शामिल हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासत में दागियों के दबदबे की तस्वीर और बड़ी होती जा रही है। इसके अलावा करोड़पति उम्मीदवारों पर भी खूब दांव लगाया जा रहा है। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के 5वें चरण के उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों पर कुल 693 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर ने यूपी के 5वें चरण में चुनाव लड़ने वाले 693 उम्मीदवारों में से 685 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण कर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। 5वें चरण में 185 यानी कि 27% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। 141 यानी कि 21% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 246 यानी कि 36% उम्मीदवार करोड़पति हैं और सभी उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2.48 करोड़ रुपए बताई गई है। 4वें चरण में सियासी दलों ने 27% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों को अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो इस चरण में भी अधिकतम दागी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने ही उतारे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के वादे के साथ चुनावी मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी ने 71% टिकट आपराधिक छवि वाले नेताओं को दिया है।
सपा के 59 में से 42 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अपना दल सोनेलाल के 7 में से 4, भाजपा के 52 में से 25, बसपा के 61 में से 23, कांग्रेस के भी 61 में से 23 और आम आदमी पार्टी के 52 में से 10 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात अगर उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामलों की करें तो समाजवादी पार्टी के 59 में से 29, भाजपा के 52 में से 22, अपना दल सोनेलाल के 7 में से 2, बसपा के 61 में से 17 और कांग्रेस के भी 61 में से 17, साथ ही आम आदमी पार्टी के 52 में से 7 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट के अनुसार कुल उम्मीदवारों में से 12 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। साथ ही 8 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले भी घोषित किए हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 61 में से 39 निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील है। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तो इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस चरण में भी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने में कोई कमी नहीं रखी है। दागी उम्मीदवारों के बाद अगर बात करें 5वें चरण के करोड़पति उम्मीदवारों की तो रिपोर्ट के मुताबिक 685 उम्मीदवारों में से 246 यानी कि 36% उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावों में धनबल की भूमिका इसी बात से स्पष्ट होती है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अगर राजनीतिक दलों के अनुसार करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो गरीब कल्याण की राजनीति का दावा करने वाली भाजपा ने सबसे अधिक 90% करोड़पतियों को टिकट दिया है। भाजपा के 52 में से 47, अपना दल सोनेलाल के 7 में से 6, सपा के 59 में से 49, बसपा के 61 में से 44, वहीं कांग्रेस के 61 में से 30 और आम आदमी पार्टी के 52 में से 11 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि के अलावा इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की अन्य पृष्ठभूमि की भी जानकारी दी गई है। अगर बात करें उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की तो रिपोर्ट के अनुसार 685 उम्मीदवारों में से 231 यानी कि 34% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की है, जबकि 407 यानी कि 59% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा घोषित की है। साथ ही 32 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर और 6 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता असाक्षर घोषित की है। 5वें चरण में अगर बात करें महिला प्रतिनिधित्व की तो रिपोर्ट के अनुसार 5वें चरण में भी मात्र 90 यानी कि 13% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कुल 685 उम्मीदवारों में से 594 पुरुष उम्मीदवार 5वें चरण का चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में एक उम्मीदवार थर्ड जेंडर से भी है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे अधिक 26 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं 12 महिला उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद सपा ने 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है तो वहीं भाजपा ने 6 और बसपा ने 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।